वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। दिवाली बहुत अच्छी रही होगी आपकी, हमारी भी बहुत अच्छी थी। और दिवाली के बाद आज है पड़वा, और पड़वा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी उसका नाम अन्नकूट नहीं, लेकिन उसको बोला जाता है राम भाजा। तो आज राम भाजा की तैयारी हो रही है, अन्नकूट की तैयारी हो रही है। काफ़ी सारी सब्जियां जो उसमें डलती हैं, जिसको लेने के लिए हमारे पूज्य पिताजी और चाचा जी गए हैं, और खूब सारी सब्जियां आई हैं, मतलब आएंगी। और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। अगर कुछ बचे हुए काम भी हैं तो वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपने पुराने ब्लॉग में भी देखा कि मैं कितना सारा काम करता हूँ। और राजश्री अभी सो रही है, इसलिए मैंने ब्लॉग की ओपनिंग अकेले की है। तो बस ले चलते हैं आपको। क्या लग रहा है तुमको? एविल टावर पे घूमना है? एविल टावर पे घूमना है? ढंग से नहीं मांझ रहे हो बर्तन। सुनो, ढंग से नहीं मांझ रहे हो। तुम ढंग से मुंह जरूर चला रहे हो। वो भी अभी सारी लेडीज है हमारे यहाँ। हाँ। सारी लेडीज है, छल गई है इतने सारे लोग से। हाँ। मदद करने के लिए कौन आया? घर के बाहर के लोग? सही बात, घर वाले। फटाफट करो, जरा जल्दी 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 हाथ चलाओ जरा। हमारे यहाँ अन्नकूट है, तो अन्नकूट के लिए सारी तैयारियाँ हो रही है, पूरा घर लग गया है। क्या कर रही हैं आप? दोनों कपल साथ में मटर छील रहे हैं। और ये देखिए इधर, मैं इसे स्वर आज राम बाजा बन रहा है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ अन्नकूट है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए, ये मटर छिली जा रही है। क्या हो रहा है? मटर राम भाजा बन रहा है विद कपल है, मतलब पेयर के साथ। राम भाजा क्या क्या क्या, क्या स्पेशल होता है राम भाजा में? राम भाजा में सारी वेजीज डाली जाती हैं। अच्छा, मटर में सारा घी डाला जाता है डिब्बा भर के। ये देखिए, सारे लोग आज काम पे लग गए हैं। कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि ये आज पूरा साल इंतजार करते हैं इसे खाने के लिए। खाने के लिए तो ये स्पेशल बनता है दिवाली के दिन, है ना? बहुत अच्छा, इसका टेस्ट से इसी दिन आता है। ओके, और ये देखिए मम्मी, सारे मर्द लग गए हैं आज काम में। हाँ, क्या कर रहे हो सीरियसली? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या लग रहा है तुमको? सिंघाड़े छील रहे हो? अरे वाह, तुमको पता है यार, सिंघाड़े छीने जा रहे हैं आज। बड़ा क्या है राम भाजा, जो कि जनरली वर्ल्ड फेमस इसका नाम है अन्नकूट, जिसमें कई तरीके की सब्जियां बनती हैं। कई तरीके की सब्जियां मिक्स करके एक सब्जी बनती है। अरे क्या, अरे खाने वाले बहुत है, इसलिए आज बनाने के लिए भी पूरा परिवार बैठा हुआ है। आज सारा घर लग गया है, आधे जन इधर लगे हैं। और मैंने मटर छीली, मैं आप लोगों को दिखा देती हूं मैंने कितनी मटर छीली है। ये देखो, क्या छीलते छीलते इतने थक गए कि क्या चाय चाय का सिलसिला शुरू हो गया? चाय तो हमेशा लगती है, थके या ना। तुम चाय देखो किससे काम करवा रही हो तुम? ठेकेदार साहब। तो आज ठेकेदार साहब सबको नाश्ता खिला रहे हैं, ये मेरे लिए बन गया है बढ़िया। हाँ, ये हमारे ठेकेदार हैं, ये नए कार्यकर्ता भर्ती हुए हैं अप टू डेट बन के मटर छील में। यार मैं ठीक से बता नहीं पाया था, आज है पड़वा, अन्नकूट का दिन तो है ही। अच्छा। लेकिन पड़वा के दिन गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा। तो आप मथुरा जा रहे हैं? मथुरा नहीं जा रहे हैं, गोवर्धन यहीं। वैसे जा सकते थे, मथुरा तो बगल में ही है। चलो खैर,
तो ये मटर छिल रही है, मटर देख लीजिए, बाकी क्या क्या डलेगा मैं सब बताऊंगा। तो ये सिंघाड़ों में कचरा निकला है, मुझे लग रहा है माल कम निकला है कचरा ज्यादा है। क्यों, आपने माल वेस्ट कर दिया क्या? बहुत ज्यादा, ये सारा माल निकला है बस, ये कम निकला है, वही तो बोल रहा हूँ। लोग सिंघाड़े ऐसे लाए जिसमें छिलके ज्यादा थे, सिंघाड़े कम थे। चलो क्या और क्या है, ये मूंगफलियां भी छिली रही हैं। आप क्या काम कर रही हैं? मैं मेथी छील रही हूँ, सबसे मेहनत का काम ही मैं कर रही हूँ, बाकी सब कौन सी मेहनत का है इसमें? ये देखिए इतना सारा कचरा हो गया मेथी। अच्छा, और ये इसमें भी तो कचरा था इतना सारा। आप तीन लोग छील रहे हैं और यहाँ मैं अकेली हूँ। तो इसको काटोगी क्या अभी? मैं हाँ अभी इसको सुधार करते। मेथी का कड़वा टेस्ट नहीं आएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत हेल्दी रहती है, आयरन बहुत रहता है। बस बस बस, उसके इतने कंटेंट नहीं जानने हमको। चलो में भी लगे हुए हैं, ये है पालक, तो पालक के साथ और क्या है? ये पालक है और ये सरसों की भाजी, ये सरसों की भाजी, ये सब भी डलेगा क्या? हाँ, ये चाची लगी हुई है हमारी, इंदौर से आई है हमारी खास कारीगर, हमारी चाची। जय जिनेन्द्र। चलो पीछे कुछ लोग भी आ गए हैं जो सुबह से आराम कर रहे थे। आप आराम कर रही थी, कहाँ थी गायब? अच्छा अच्छा, इनके बच्चे हो गए, चलो हम भी बच्चे आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है खैर, तो ये लौकी वौकी भी बस ऑलमोस्ट कट के सब तैयार हैं, ये कद्दू भी कट रहा है, ये तो बस चीजें ढूंढती रहती हैं। क्यों और ये कढ़ाई भी चढ़ चुकी है, अब बनेगा जैसे ही उसके बाद। अच्छा ये चीले भी बन रहे हैं भैया, नाश्ता भी चल रहा है, माओ का काम है भैया सबका ख्याल रखने का। तो ठीक है, कढ़ाई चढ़ गई है, तेल गर्म हो रहा है, इसके बाद बनता है, जैसे ही आपको मिलवाते हैं दिखाते हैं। तो फाइनली ये बन के तैयार हो गया इतना सारा राम भाजा, और हैं इतना बना दिया है। तो ये बन के तैयार है, ये खड़ना एक सेकंड, एक्सक्यूज मी प्लीज, ये भी छोटा सा है, ये जो कम मिर्ची खाते हैं उनके लिए है। तो चलो हाँ, तो तुम हो सबसे पहले खाने वाली, yes. ये मिस्सी रोटी के साथ जो खा रही हो, कैसा लग रहा है राम भाजा? तुमने पहली बार खाया है? हाँ तो पहली बार खाया है आपने? अरे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ये देखो, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शूट करने ही नहीं देंगे। और चटनी के साथ खाते हैं, ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी पर ये नहीं खा रहे, ये देखो क्या खा रहे। तुम क्यों नहीं खा रही हो राम बाजा? मजा नहीं आता, वो मेरा बाजा बजा देता है। खैर ये डाइट पे है इसलिए राम बाजा नहीं खा रही, जबकि उसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, बट इन्हें पता नहीं है। एनीवे कोई बात नहीं। हाँ भैया, तुमको? मेरा तो फेवरेट है। फेवरेट है? 5 साल बाद खा रही हूँ। लेकिन क्यों 5 साल बाद क्यों खा रही है? अच्छा तेरी शादी हो गई है, ससुराल ससुराल में नहीं बनता? नहीं। अच्छा बम्बई वाले हो ना तुम भी इसलिए। चलो खैर, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, एक बार ट्राई करेंगे मुंबई में भी। ठीक है, ओके। हाँ तो ये एक सबसे पहले शुरुआत माफी से करेंगे, क्योंकि इस व्लॉग की हम एंडिंग दे नहीं पाए थे ग्वालियर में, और उसके बाद वो राम भाजा खाने में इतना बिजी हो गया, फिर खाते खाते पेट भर गया, फिर हम सो गए, नहीं और उसके बाद ध्यान भी नहीं रहा। हालांकि उसके बाद कई दिन तक हम वहाँ रुके थे, बट यहाँ आने के बाद इसकी एंडिंग दे रहे हैं। और हम यहाँ आके बहुत मिस कर रहे हैं घर को, घर वालों को, घर के खाने को, पर कोई नहीं, वहाँ जब तक रहे बड़ा मजा आया। तो ठीक है, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारा व्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।